दोस्तों, मेरे पीछे आप देख रहे हैं गुलाब के फूल हो रहे हैं, तो बहुत सुहाने फूल हो रहे हैं, अच्छे फूल हो रहे हैं। कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताएं। ये गुलाब के फूल ये देखिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और आज है ट्यूसडे, तो आज भी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपको दूंगा। आप मेरे ब्लॉग पर बने रहें और अगर नए हो तो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, तो आपके मनोरंजन के लिए बहुत ही बेहतरीन ब्लॉग आज मैं बना रहा हूँ। तो देखिए और मनोरंजन करते रहिए। और देख रहे हैं दोस्तों, ये सत्संग भवन है, तिरछा खेत में सत्संग भवन बन चुका है, आप देख रहे हैं सत्संग भवन। नए इलाके में ले जा रहा हूँ तिरछा खेत में मैं, सत्संग भवन है ये रोड गई सीसी मार्ग, तो बने रहें ब्लॉग पर। और दोस्तों देख रहे हैं तिरछा खेत में बनी है ये भवन, सत्संग भवन हमारे गाँव में। और ये रोड गई तिरछा खेत को ही हमारे गांव को। परवेश वाटरफॉल रिसोर्ट बन चुका है, ये परवेश वाटर रिसोर्ट बन चुका है तिरछा खेत में, आप देख रहे हैं बहुत अच्छा इलाका है वाटर रिसोर्ट। ये देख रहे हैं यहाँ पर गाय भी पाली हुई हैं। और इस रोड से मैं चल रहा हूँ, आज नया इलाका दिखा रहा हूँ। ये पूरे जंगल में भी कॉटेज बन चुके हैं, आप देख रहे हैं ये पॉली हाउस भी बना हुआ है सामने। तो नई जगह का ब्लॉग जब बनाता हूँ तो अपने दर्शकों के लिए तो खुद भी अच्छा लगता है और देखने वालों को भी अच्छा लगता होगा। जब भी आप तिरछा खेत आएँ तो इन इलाकों में जो रहें, पॉली हाउस बना हुआ है सामने, आप खेत में देख रहे हैं और कॉटेज बनते ही जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। ये देख रहे हैं दोस्तों, जंगल में कॉटेज बना हुआ है, यहाँ पर काम भी चला हुआ है कॉटेजों का, आप देख रहे हैं। और दोस्तों देख रहे हैं तिरछा खेत में किस तरीके से भवन बन चुके हैं, ये देख रहे हैं, बहुत ही शांत इलाका है। और पहाड़ों के दृश्य भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, कैसे लग रहा है ज़रूर बताएं आप। दोस्तों सुंदर वादियों के बीच में अब मैं अपने गांव तल्ला तिरछा खेत में पहुंच चुका हूं और सामने का व्यू आप देख ही रहे हैं जो मैं आपको दिखाते रहता हूं, जूलीकोट हल्द्वानी। तो आज का ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए यहीं पर एंड करता हूं, कल को मिलता हूं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत। तो दोस्तों नीले आसमान में आप देख रहे हैं एक बादल की छटा छोटी सी, पूरे आसमान क्लियर है, केवल एक छोटा सा बादल दिख रहा है, कैसा लग रहा है बादल ज़रूर बताएं। दोस्तों देख रहे हैं हमारे तिरछा खेत का व्यू, बहुत दूर से दिखा रहा हूँ आपको, ये पूरा गांव है नीचे, आप देख रहे हैं पूरा गांव। और ये जूलीकोट और उस पहाड़ी के ऊपर हिडम्बा धाम और ये पूरा जंगल और ये रास्ता। तो दोस्तों दिन के 11:30 बज चुके हैं और अब मैं घर पहुंच चुका हूं और छाया के बीच में बैठा हूं, पेड़ की छाँव के बीच में। और आज का ब्लॉग मैंने एक छोटा सा बनाया आपके मनोरंजन के लिए, कॉटेजों का दिखाया तिरछा खेत में, तो कैसा लगा ज़रूर बताएं। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगा, आपका सपोर्ट चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें नए लोग और बेल आइकन दबाएँ और वीडियो को शेयर करें, कॉमेंट जरूर करें। जय उत्तराखंड, जय भारत। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते, दुर्गे देवी नमोस्तुते।